आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारकोड और बारकोड को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे जनरेट किया जाता है। आप यकीन मानिए कि आपको इस तरीके का शायद ही वीडियो देखने को मिला होगा और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप बारकोड और बारकोड दोनों को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बारकोड और बारकोड को किस तरीके से जनरेट करेंगे। आप बारकोड में सिर्फ नंबर को ही जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और जनरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि बारकोड में आप मैसेज टाइपिंग कर सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड किसी को इसमें जनरेट करके भेज सकते हैं, कोई मैसेज, व्हाट्सअप, मोबाइल नंबर या कुछ भी जो है उसमें आप टाइपिंग वगैरह करके और जनरेट करके बारकोड को आप किसी के पास सेंड कीजिएगा, वो वहाँ पे उसको स्कैन करके रीड करेगा और आप और जिसको भेजिएगा उन दोनों के बीच में ही ये बात रहेगा कि क्या भेजा है, तीसरा इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है। सो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बारकोड और बारकोड को जनरेट करेंगे और उसको बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको बारकोड जनरेट, बारकोड मेकर और बारकोड स्कैनर को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप बार कोड को कैसे जनरेट करेंगे, फिर मैं बताऊँगा कि बार कोड को कैसे जनरेट करेंगे और फिर मैं बताऊँगा कि आप इन दोनों को कैसे स्कैन करेंगे। चलिए हम पहले जो है बार कोड को जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्रिएट बार कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि आपको टेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कि आप टेक्स्ट को यहाँ पे बार कोड बना सकते हैं, वेबसाइट, वाईफाई, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फोन, यूट्यूब, ईमेल, इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जिसको भी आपको बार कोड बनाना है इसमें से आप बार कोड उसको बहुत ही ईजिली तरीके से आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाला पे क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, या इसी तरीके से यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी, टाइटल, एड्रेस और यहाँ पे मीम मतलब कुछ टाइपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, जिसको मतलब आप जो है बार कोड बना के भेजना चाहते हो तो बस आप इसको बार कोड बना के भेजेंगे, वो वहाँ पे बस आपको बार कोड को स्कैन करके उसको रीड कर लेगा और आप दोनों के बीच में कोई भी इसको रीड नहीं कर सकता है और ये आपका प्राइवेसी भी रह जाएगा। इसी तरीके से हम बैक आएंगे, इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी बार कोड बना सकते हो। जैसे अगर आपको मैसेज किसी को करना है तो मैसेज वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर डालेंगे जो ही पर्सन का है, यहाँ पे मैसेज में आप क्या लिखना चाहते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ हाय, इस तरीके से हाय लिखेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका बार कोड यहाँ पे बन जाएगा। ये एड आ चुका है, एड हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका बार कोड यहाँ पे तैयार हो चुका है और इसमें जो आप लिखे हुए हैं ये देखिए नीचे हाय, कॉन्टैक्ट में नीचे यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ गया, मैं डाला था और इस तरीके से आपका हाय आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आपका बार कोड बन गया है, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या यहाँ ऊपर में शेयर वाले पर जाके इसको आप किसी के साथ आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है तो आप जहाँ भी जो भी एप्लीकेशन में जाकर शेयर करना चाहते हैं यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे मैं इस पहले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वाईफाई या व्हाट्सअप, जैसे अगर वाईफाई अगर आप बार कोड बनाना चाहते हैं तो वाईफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क का नाम डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डाल के आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो है बार कोड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है व्हाट्सअप नंबर भी डाल के यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, इस तरीके से 10 डिजिट का जो भी नंबर होगा और यहाँ क्रिएट करेंगे तो जो आपका नंबर होगा वो यहाँ से ऐड आ जाएगा। ऐड इस तरीके से आपको हटा देना है और यहाँ पर देखिए कि आपको जो है बार कोड यहाँ पर तैयार हो चुका है, यहाँ सेव कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर पर वाले पर जाके शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको YouTube का बनाना है तो यहाँ पे YouTube वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अपना जो है चैनल आईडी वो यहाँ पे आपको जो भी चैनल आईडी हुआ यहाँ पर डाल के यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका YouTube का बार कोड बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें से आप जो भी बनाना चाहते हैं आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ टेक्स्ट वाले को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग कर लीजिए, जैसे मैं बोल देता हूँ हेलो,
आप कहाँ हो। यहाँ पर जैसे क्रिएट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका बार कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, तो यहाँ सेव वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे गैलरी में सेव हो जाएगा, या यहाँ पे शेयर वाले पे क्लिक करके आप किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। तो इस एप्लीकेशन में से आप जिसको भी शेयर करना चाहते हैं बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए मेरा ये सेव हो चुका है, यहाँ पे देखिए हेलो आप कहाँ। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो यहाँ बैक वाले पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से बैक वाले पे क्लिक करके हमें यहाँ पे बैक आ जाते हैं। यहाँ क्रिएट बार कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले आपको यहाँ ऑटो का ऑप्शन आया था, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि आप सिर्फ यहाँ पे नंबर को ही बार कोड बना सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट है, इसमें से आपको जो भी बनाना है इसमें से आप चूज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं EAN 13 वाले को, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो भी 12 डिजिट का नंबर है, इस तरीके से 12 डिजिट का नंबर जो भी आपके पास है यहाँ पर डाल देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो बार कोड है जेनरेट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसका जो भी लुक देना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप जो भी लुक देना चाहते हैं इसमें से दे सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैसे वाला भी है और इसमें से कुछ पैसे वाला है कुछ फ्री है, तो आपको जो फ्री वाला है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा फ्री वाला भी है, पैसा वाला भी है, तो आप जो भी इसमें से लेना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक कीजिएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट हो चुका है, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब यहाँ पे टेम्पलेट है, टेम्पलेट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ कुछ पैसे वाला है कुछ फ्री है, जो फ्री है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको जो भी लेना है इस तरीके से ले सकते हैं। राइट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ कलर वगैरह का है, यहाँ पर कलर वाले पे क्लिक करके इसको आप कोई भी कलर इस तरीके से जो है बार कोड में दे सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ बैकग्राउंड का कलर भी इस तरीके से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखना चाहते हैं। इसमें आपको ढेर सारा मिल जाता है, जो भी आपको रखना है इस तरीके से आप क्लिक करेंगे और वो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का है, आप चाहते हैं कि बार कोड के नीचे कुछ लिखे तो यहाँ टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ हाय, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको कलर भी दे सकते हैं, तो इसमें से आप जो भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से चूज कर लेंगे। राइट वाले पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका सेव हो चुका है और यहाँ पे जो है आपका जो कॉन्टैक्ट में इतना नंबर जो दिए थे वो आ चुका है। यहाँ से आप किसी को शेयर कर सकते हैं, शेयर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इतने सारे एप्लीकेशन हैं, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप जो है बार कोड और वार कोड को जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। और यहाँ पे आप जो भी ऐड कीजिएगा और किसी पर्सन को पास भेजिएगा तो वो पर्सन वहाँ पे स्कैन करेगा, तभी वो उसको वो रीड कर सकता है। और आपके और जिसको भी भेजिएगा उस पर्सन के बीच में इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया ये एप्लीकेशन है, जिसको आप यूज करके एक बार देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए मैं आप बताता हूँ कि इसको आपको स्कैन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए ये वार कोड और ये बार कोड है, इस दोनों को मैं यहाँ पर सेव किया हूँ, तो ये दोनों यहाँ पर मेरा आ चुका है। सो इस तरीके से आप वार कोड और बार कोड को आप जेनरेट कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास वार कोड हो और बार कोड हो तो उसको आप कैसे स्कैन करेंगे। तो इसके लिए स्कैन वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए मेरे पास एक वार कोड है, तो मैं आपको यहां पे वार कोड को स्कैन करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहां पे आप वार कोड को इस तरीके से लेके जाएंगे और यहां फ्लैश वाला का है ऑप्शन, यहां फ्लैश वाले पे क्लिक करके आप इसको फ्लैश भी यहां पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पे वार कोड को रखना है और यहां पर देखिए कि आपका वार कोड स्कैन हो चुका है और यहां पर देखिए कि इसका जो डिटेल भी इस तरीके से यहां पे लिखा के आ चुका है। सो इस तरीके से है जो वार कोड को आप जो है स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास बार कोड हो तो उसको आप कैसे स्कैन करेंगे, तो इसके लिए सिर्फ बैक आएंगे और बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बार कोड है, तो मैं इसको स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ फ्लैश वाले पे क्लिक करके पहले फ्लैश कर लेंगे, इस तरीके से रोशनी कर लेंगे और यहाँ पर देखिए कि मेरे पास यहाँ बार कोड है, तो मैं इसको स्कैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि बार कोड भी यहाँ पे स्कैन हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से आप वार कोड और बार कोड को दोनों को स्कैन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया ये एप्लीकेशन है। एक बार अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में ये एप्लीकेशन बढ़िया है, क्योंकि ये ऑल इन वन है। इसमें देख रहे हैं कि आपको बार कोड और वार कोड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको जनरेट कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप इसमें वार कोड और बार कोड को बना सकते हैं और इसको आप जो लुक कोई दे सकते हैं, और इस एप्लीकेशन से आप वार कोड और बार कोड को जनरेट
कर सकते हैं। तो सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम बारकोड और बारकोड को बनाएंगे, जेनरेट करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।